अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज में आज हम जिस यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नेम है स्केलेटन सिस्टम। तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं क्योंकि ये आप ही की कोर्स से लिए गए हैं और आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होंगे। स्केलेटन सिस्टम एमसीक्यूज के हमारे पास दो वीडियोज हैं, फर्स्ट वीडियो ये हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ एमसीक्यूज का वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है जिसको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज को। फर्स्ट एमसीक्यूज जो हमारे पास हैं वो हैं कि द फ्रेमवर्क इन आवर बॉडी दैट सपोर्ट बॉडी एंड कार्डल इट्स सॉफ्ट ऑर्गन इज कॉल्ड, कि हमारे बॉडी का एक फ्रेमवर्क जो बॉडी को सपोर्ट भी करता है और इसके ऑर्गन की प्रोटेक्शन भी करता है तो वो कौन सा सिस्टम है। तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है स्केलेटल सिस्टम, सी ऑप्शन। सेकेंड एमसीक्यूज जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं कि आवर स्केलेटल सिस्टम प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड सेल फॉर्मेशन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, कि हमारे स्केलेटल सिस्टम वो ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इसको आप याद रख लें। थर्ड नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि विच वन इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, जो स्केलेटल सिस्टम हमारा है तो उसका कौन सा फंक्शन है हमारे पास। फर्स्ट है कि प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट, ये भी है। सेकंड हमारे पास है ब्लड सेल फॉर्मेशन, ये भी है। थर्ड हमारे पास है मिनरल स्टोरेज, ये भी है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों जो हमारे पास हैं ये क्या हैं, ये स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस हैं, लिहाजा थर्ड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि विच वन इज द लॉन्ग बोन इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में लॉन्ग बोन है जो वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, स्केलेटल सिस्टम के नाम पे ही मेरे चैनल पे मौजूद है। तो इस यहाँ कहते हैं कि हमारे बॉडी का लॉन्ग बोन कौन सा है, ए ऑप्शन हमारे पास है कार्पल, बी ऑप्शन टार्सल्स, सी ऑप्शन हमारे पास फीमर, डी ऑप्शन हमारे पास है आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, कि इन बोन्स में हमारे पास जो लॉन्ग बोन है हमारे बॉडी का तो वो क्या है, वो है फीमर। तो फोर्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि द फॉलोइंग आर शॉर्ट बोन ऑफ आवर बॉडी एक्सेप्ट, कि ये जो हमारे पास बोन है ये शॉर्ट है, इसमें कौन सा हमारे बॉडी का लॉन्ग बोन है। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी, फीमर। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि ये जो दो हमारे पास हैं ये क्या हैं, ये शॉर्ट बोन्स हैं। तो इस एमसीक्यूज से आपके फिर तीन एमसीक्यूज कवर होते हैं, एक तो आपको लॉन्ग बोन का पता चल गया, दूसरा शॉर्ट बोन का। तो इससे एग्जामिनर जो है वो ये भी आपके पास लेकर आ सकता है कि विच वन इज शॉर्ट बोन, तो ये भी करेक्ट है। अगर दोनों ऑप्शन है दोनों करेक्ट होंगे, एक है तो आप एक करेक्ट करना है, लेकिन फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। सिक्स नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द क्रेनियल स्कैपोला रिब्स एंड स्टर्नम बोन्स आर, कि ये जो हमारे पास बोन है क्रेनियल स्कैपोला वगैरह के, तो ये कौन से बोन हैं। तो ए ऑप्शन हमारे पास इरेगुलर, बी फ्लेट, सी लॉन्ग, डी नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, फ्लेट बोन्स। हमारे बोन्स के डिफरेंट टाइप्स हैं जो लेक्चर्स में हमने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताए हैं। यहाँ पे चूंकि एमसीक्यूज हैं तो ये जितने भी बोन्स हैं ये हमारे पास फ्लेट बोन्स के एग्जाम्पल हैं, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। सिक्स नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। सेवन्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द बोन्स शेफ्ट आर बॉडी विच इज मेन लॉन्ग पोर्शन ऑफ द बोन इज कॉल्ड, कि हमारे पास बोन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसका मेन लॉन्ग पार्ट किसे कहते काओ को क्या कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डाइफेसिस। डाइफेसिस हमारे पास बोन का लॉन्ग पार्ट है। तो सेवंथ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। एट नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ बोन इज कॉल्ड, बोन का जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड्स होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एपिफाइसिस। सी ऑप्शन जो हमारे पास है वो करेक्ट है। एट नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, के प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड जो है बोन के क्या कहलाएंगे, एपिफाइसिस कहलाएंगे।
9 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि अ फाइब्रस डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू विच कवर द बोन सरफेस बिटवीन द आर्टिकुलर कार्टिलेज इज कॉल्ड, कि हमारे पास वो इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो क्या करते हैं, जो हमारे बोन को कवर करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेरियास्टियम। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि वो कवर जो हमारे बोन को कवर करता है कनेक्टिव टिश्यू का उसको पेरियास्टियम कहते हैं। 9th नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। 10 नंबर एमसीक्यूज हैं कि अ थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज कवरिंग द एपिफिजियल एंड टू फॉर्म जॉइंट विद अनदर बोन इज कॉल्ड, कि हमारे पास वो कार्टिलेज जो एक बोन को दूसरे बोन के साथ जॉइंट करता है, कंबाइन करता है, फिक्स करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। 10th नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। 11 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि अ प्रोसेस इज आर प्रोजेक्शन या आउटग्रोथ जिसे कहते हैं दैट आइदर हेल्प फॉर्म जॉइंट और सर एस अटैचमेंट फॉर कनेक्टिव टिश्यू लाइक, कि हमारे पास प्रोसेसेस वो हमारे पास प्रोजेक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, जो जॉइंट फॉर्मेशन या अटैचमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में हेल्प देते हैं, तो वो कौन से हैं। ए ऑप्शन हमारे पास लिगामेंट, बी हमारे पास टेंडन, सी ऑप्शन बोथ, डी नन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी बोथ, कि ये हमारे पास वो प्रोसेसेस होते हैं जो क्या करते हैं, जो जॉइंट फॉर्मेशन और कनेक्टिव टिश्यू के अटैचमेंट में हेल्प आउट करते हैं। तो 12 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन ऑफ बोन विद कोलिजन फाइबर इज नोन एज, कि हमारे पास बोन के मिनरलाइजेशन का जो प्रोसेस है तो उसको क्या कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, कैल्सिफिकेशन, कि जब आपके पास कैल्शियम की स्टोरेज होती है बोन में, बोन का जो बॉडी होता है, साइज होते हैं, वो आपके पास इंक्रीज होता है, उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिफिकेशन। तो 12 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है बी। 13 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि द मोस्ट अबंडेंट मिनरल साल्ट इन बोन, बोन में जो मोस्ट अबंडेंट मिनरल साल्ट हैं वो कौन सा होते हैं, वो कैल्शियम फास्फेट होता है। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 14 नंबर एमसीक्यूज हैं कि द ओनली बोन सेल दैट अंडरगो डिवीजन सिंथेसाइज एंड सेक्रेट कोलिजन फाइबर नीडेड टू बिल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ बोन टिश्यू आर, कि वो आपके पास वो बोन सेल जिसमें डिवीजन होती हो, जो आपके पास कोलिजन फाइबर को सेक्रेट करके बोन की फॉर्मेशन करे, उनको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन ऑस्टियोजेनिक सेल भी कहते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट सेल भी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी, बोथ ए एंड बी सही है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आप याद रख लें। और लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट आर सराउंडेड बाई एंड बिकम ट्रेप इनटू द मैट्रिक्स एंड रिजल्ट इन, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ऑस्टियोसाइट, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट हमारे पास इमैच्योर सेल होते हैं जो बोन की फॉर्मेशन करते हैं, जब वो आपके पास फुली मैच्योर हो जाते हैं तो फिर उसको कहते हैं ऑस्टियोसाइट, जिसमें आपके पास फर्दर फिर डिवीजन नहीं होती। तो ये हमारे पास स्केलेटन सिस्टम के पार्ट फर्स्ट के एमसीक्यूज थे। कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। हमारे चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट के वीडियोस, लेक्चर और उनके एमसीक्यूज को वीडियो मिलेंगी। ओके, थैंक यू।